शब्द एक ऐसा चीज जो आपको पल भर में दुनिया में सम्मान का पात्र बना देती है, तो क्षण भर में ही आपको जो है ना घृणा का पात्र भी बना देती है। इसीलिए शब्द का चयन हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, खास करके तब जब आप बड़े पद पे हो या आपको सुनने वाले लाखों हो। और यही एक भूल जो है ना, यही एक चीज समझने में कल मुरली कार्तिक से भूल हो गई। उन्होंने आरसीबी के बॉलर यश दयाल के लिए कूड़ा शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा समवन स्ट्रेसेस समवन ट्रेजर। ये बात उन्होंने यश दयाल के पुराने परफॉर्मेंस याद कीजिए जब रिंकू सिंह ने उन्हें 5 छक्का लगाया था, उसको कोट करते हुए कहा। और जिस पर इंटरनेट पे बहुत ही मतलब बुरा प्रतिक्रिया आया है मुरली कार्तिक के लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया था वो आरसीबी की तरफ से आया। आरसीबी के ट्विटर हैंडल ने यश दयाल के साथ एक फोटो अपलोड किया और फोटो में सीधा उनको ट्रेजर लिखा हुआ था। और साथ ही आरसीबी के लिए काम करने वाले दानिश सेठ जो मिस्टर नैक्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वो आप ट्वीट देख सकते हैं जो उन्होंने कहा कि आप किस तरह से किसी को ऑन एयर ये कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मुरली कार्तिक जो खुद एक प्लेयर रहे हैं और उनको पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ गेम है। किसी दिन आपका दिन होता है तो आप हैट्रिक भी ले लेते हो, किसी दिन आपका दिन नहीं होता है तो आप 6 छक्के भी खा सकते हो। क्रिस ब्रॉड सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड और इनका सबसे बड़ा सबूत है स्टुअर्ट ब्रॉड है। मुरली कार्तिक खुद जिन्होंने मुंबई में ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया था, वही जब ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने गए तो 211 का उनका एवरेज था, 211 यानी 211 रन देकर उन्होंने एक विकेट लिया था ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर ये चीज एक क्रिकेटर की तरफ से आता है तो ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेले और वो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है। हर दिन आपका दिन नहीं हो सकता, और किसी को कूड़ा कह देना ये एक क्रिकेटर के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं तो मुझे पता नहीं उन्होंने किस भाव में कहा था, लेकिन जो भी उन्होंने कहा था वो बिल्कुल गलत था और उनको इसके लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए यश दयाल से। और बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, बहुत मुश्किल होता है कि आप जब इस तरह से डाउन एंड आउट होते हैं और उसके बाद आगे परफॉर्म करना। याद कीजिए कि पूरे सीजन उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन एक मैच के बिहाफ पे आरसीबी ने एक मैच के बिहाफ में जेटी ने उन्हें ड्रॉप किया था और ऑक्शन में ये रिटेन भी नहीं किया था, उनको रिलीज भी कर दिया था ऑक्शन में। आरसीबी ने मोटे रकम पे उसे खरीदा और उन्होंने अपना वर्थ कल प्रूव किया जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की। वो और उस पिच पे हो सकता था कि स्कोर 200 के आसपास चले जाए, 200 अगर हो जाता तो आरसीबी के लिए वो बहुत मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से अपने शुरुआती स्पेल में ही 3 ओवर में 10 रन देके उन्होंने दूसरी टीम को रोका, पंजाब की टीम को रोका, तो इसलिए उनकी तारीफ बनती थी। लेकिन तारीफ जिस वे में हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। मुझे लगता है मुरली कार्तिक बहुत समझदार प्लेयर हैं, वो आएंगे, वो इस चीज को क्लियर करेंगे कि उनका माइंडसेट क्या था और वो क्या कहना चाहते थे। हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो उनका, इस चीज को उनको क्लैरिफाई करना चाहिए और यश दयाल से माफी मांगना चाहिए। आप एक प्लेयर को, खास करके एक प्लेयर होके, कभी कूड़ा नहीं कह सकते हैं। प्लेयर का स्ट्रगल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप एक प्लेयर रहे हो और आप खुद एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो प्रतिभा होने के बाद भी कई बार आपके साथ इनजस्टिस हुआ। इनजस्टिस क्यों हुआ? क्योंकि आपसे ज्यादा प्रतिभावान लोग खेल रहे थे और आपको मौका नहीं मिल पाया उस कारण से। तो मुरली कार्तिक जी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था।